तो मजेदार आदमी है मतलब। हाँ ये गाना सुनाएंगे, सुना कमरिया लगे लाप लाप लॉलीपॉप ला, 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 ला। हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल। और आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं वो थोड़ा सा बना रहे हैं हम मैं भी जा रहा हूँ पुरानी दिल्ली, तो थोड़ा सा पुरानी दिल्ली आज की वीडियो में दिखाऊंगा आपको। थोड़ा सा वहाँ पे क्या क्या खाने के ऑप्शन है वो भी दिखा दूंगा आपको इस वीडियो में, क्योंकि पुरानी दिल्ली ना हब है एक तरह से अगर हम खाने का बात करें तो। थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा दरियागंज, तो उधर का दिखाऊंगा, और जो जो चीज़ें मतलब दिखाने लायक मिलेंगी तो वो दिखाता रहूँगा। तो आज का वीडियो पूरा रिलेटेड होगा दरियागंज ओल्ड दिल्ली की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके भी बताना, और सब्सक्राइब भी कर देना अगर अभी तक नहीं किया है चैनल आपने तो। अभी ट्रैवलिंग हम स्टार्ट करेंगे, होपफुली इस मंथ के एंड में कोई ना कोई ट्रिप ज़रूर प्लान हो जाएगी। तो अभी थोड़ा सा मतलब रुके हुए हैं, थोड़ा बजट भी टाइट चल रहा है, तो जैसे ही मतलब थोड़ा सा हमें लगेगा बेटर फील होगा तब हम निकलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अभी निकल गया हूँ और सामने बादल देखो बड़े मस्त हैं, और कैमरा आज मैंने आगे लगा रखा है जहाँ पे यूजुअली मैं पहले लगाता था, क्योंकि बीच में कोई पकड़ने वाला नहीं है, तो ये मेरा इमरजेंसी में काम आता है जब अकेला कहीं जा रहा होता हूँ। और पहले सोच रहा हूँ अपने पुराने ऑफिस जाऊँगा, थोड़ा सा वहाँ पे मिलूँगा एक दो लोगों से, और उसके बाद फिर वहाँ के जो काम है अपने वो काम करूँगा। तो चलो रास्ता एंजॉय करो आप पूरा, और मैं सॉन्ग एंजॉय करता हूँ ज़रा। दरियागंज पहुंच गए हैं, और गाने सुनने में बड़ा मज़ा आता है इस रोड पे। पहले एडीएम साहब को जाने दो, ये है साइड में यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस दरियागंज का। अभी मैं पहुंचूंगा अपने बहुत पुराने ऑफिस जहाँ 9 साल काम किया है। तो ये है हमारा पुराना ऑफिस, और अभी यहीं पे गाड़ी पार्क करनी है। तो अभी पुराने ऑफिस पहुँच गए, और ये है हमारे उस्ताद जी दर्शन सिंह रावत, और जो सबसे पहले मतलब गाड़ी चलानी सिखाई चीज़ें सीखी है ना मैंने, इनके साथ में बैठ बैठ के सीखी है। हम जब लंबे टूर पे जाते थे चंडीगढ़ या फिर कहीं लंबे, जैसे क्या उधर भी गए थे एक बार लखनऊ भी, तो इनसे बहुत गाड़ी के लिए मैंने सीखी बहुत चीज़ें। मतलब अलवर वगैरह हर हफ्ते जाना होता था हमारा, तो इनके साइड में बैठ के देखता रहता था कि कब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये वैसे तो उत्तराखंड से है गढ़वाल से, पर इनके घर भी गया हूँ मैं एक बार, बड़ा मस्त मज़ा आया। अब तो राजधानी बन गई, गैरसैंण राजधानी बन गई ना। हाँ तो आज बहुत दिन के बाद मिले इनसे, अपने पुराने साथी हैं। और ये हमारे हैं भोला दास, भोला आर दास, भोला आर दास हैं अपने पुराने मित्र, साथ में काम करते थे। और ये हैं कहाँ से, ये बिहार से हैं, बिहारी बाबू हैं, और इनकी अगर भाषा सुनोगे तो बड़ा मज़ा आएगा। क्या बोलते हो, क्या बोला तो, हाँ बोलो, ठीक बा ठीक बा ठीक बा। बंदा अभी घबराया हुआ है कोरोना से बहुत, इसको भी मैंने मतलब ठीक करना पड़ेगा। तो मजेदार आदमी है मतलब। ये गाना सुनाएंगे, सुना कमरिया लगे लाप लाप लॉलीपॉप लॉलीपॉप। अरे सुना दो एक भोजपुरी गाना, हाईलाइट कर देता भाई। अरे हाईलाइट नहीं करेंगे, हाईलाइट नहीं करेंगे, अब पहले वाली बात नहीं करेंगे। अरे एक बार, अरे भोला सुना दो। तो शर्मा रहे हैं अभी भोला बेचारा। सो गाइस अभी पहुंच गया हूँ माई टीवीएस पे, और ऑफिस में तो सब लोगों से मिल रहा था, तो यहाँ पे अंदर चल के देखते हैं, एक दो स्कूटी का रिव्यू भी करेंगे, चल के देखते हैं। यहीं पे वीडियो चल रही थी शायद हमारी। तो ये है माई टीवीएस, तो ये अगेन माई टीवीएस में खड़ा हुआ हूँ आज, यहाँ पे आया था घूमने के लिए, तो इधर भी आ गया, सोचा कि एक बार मिल के आऊँ यहाँ। तो ये अपनी दोबारा वीडियो इसमें लगी हुई है, और यहाँ पर मैं कुछ स्कूटी का रिव्यू भी कर रहा हूँ जुपिटर का, तो आप चाहो तो मेरे जाके मोटो व्हील्स इंडिया चैनल पर आप देख सकते हो जाके। We'll be right back.
तो चलाने में एकदम मतलब ओके है, और मैंने ऑलरेडी चला चुका हूँ तो मतलब कोई दिक्कत लगती नहीं है। तो जुपिटर की टेस्ट ड्राइव ली है और अभी पैदल पैदल जा रहा हूँ जामा मस्जिद की साइड। जामा मस्जिद जाके थोड़ा सा उधर का दिखाऊंगा फूड का, वहाँ पे फूड मतलब बहुत मिलता है। अगर नॉनवेज की बात करो तो बहुत नॉनवेज खाने को मिलेगा। और जुपिटर की टेस्ट ड्राइव प्लस फुल रिव्यू आपको मिलेगा दूसरी चैनल पे, मोटो व्हील्स एंड इंडिया चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो उसका मैं लिंक भी आइकन में भी दे दूंगा। तो यहाँ पे रिक्शे और ई रिक्शा बहुत चलते हैं, गाड़ी लेके आना इधर बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं पैदल आया हूँ। और सामने आप देख सकते हो जामा मस्जिद, जो उसका मेन गेट है एंट्रेंस। वो मस्जिद के अंदर तो नहीं जा पाऊँगा आज, क्योंकि थोड़ा सा मुझे मतलब काम ज़्यादा है, और उधर जाऊँगा तो फिर टाइम लगेगा। पहले काफ़ी घूमा हुआ हूँ, तो उधर आप जामा मस्जिद का गेट भी देख सकते हो। और इधर की तरफ यहाँ पे आपको वेज, नॉन वेज, चिकन, मटन सारी दुकानें मिलेंगी खाने की, यहाँ से वहाँ तक। तो ये है एकदम लेफ्ट साइड वाला रोड जामा मस्जिद के। तो ये आप देख सकते हो जामा मस्जिद सामने, और ये इधर मीना बाज़ार पड़ता है। तो यहाँ पे मतलब बहुत छोटी छोटी गलियाँ मिलेंगी जब इसके अंदर घुसोगे आप अंदर जाके। और इधर सब नॉन वेज खाने की दुकानें ये लेफ्ट साइड में मेरे। तो ये है जो लेफ्ट वाला गेट है जामा मस्जिद का, और इसके सामने ही ये रोड रहता है जिस पे पड़ता है आपका करीम। आगे जाओगे तो थोड़ा सा अंदर जाके इस पे करीम आपको मिलेगा, जो फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का। मुझे अभी चलना है आगे, एक्चुअली और काम है कई सारे, तो वो काम करके उसके बाद में मैं फिर मिलता हूँ। थोड़ा सा दिखाना था आपको जामा मस्जिद, करीम रेस्टोरेंट किधर पड़ता है नॉनवेज का, जो वर्ल्ड फेमस है, तो वो भी मैंने बता दिया है। तो अभी पहुँच चुका हूँ घर, और एक्चुअली मैंने वीडियो बंद कर दी थी क्योंकि मुझे दुकान के सामान खरीदने थे, और वो नहीं खरीदता तो यहाँ पे पता ही है घर की क्लास लग जाती, तो वो खरीदने जरूरी थे। वीडियो बात का काम था क्योंकि घर की क्लास से बचना चाह रहा था मैं। और अभी घर पहुँच गया हूँ, हालत देखो ये हो गई है पैदल चल चल के। थोड़ा सा मतलब मार्केट में वहाँ पर गाड़ी नहीं जाती है, स्कूटी वगैरह जाती है, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगता, उससे बेटर पैदल है वहाँ पर जाना। तो इसलिए पैदल में आदमी जल्दी निकल जाता है क्योंकि वहाँ पर रिक्शों का जाम रहता है बहुत ज़्यादा, पैंडल रिक्शा जो होते हैं। और मतलब पूरा सामान वाल लेके आया दुकान का, और होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। आज काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई इस वीडियो में मैंने, अपना पुराना ऑफिस भी थोड़ा सा दिखाया आपको, और बीच में फिर कभी कलीग भी मिले मेरे, बट उनके साथ फिर मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि वो बिजी थे थोड़े से ऑफिस में, और ये अच्छा भी नहीं लगता है इतना ज़्यादा, तो इसलिए मैंने वहाँ पे कोई वीडियो वीडियो नहीं बनाई उनके साथ में, बस मिले उनसे और आ गए। और बाकी TVS में भी घूम के आया आज, तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ मैडम बोलना चाह रही हैं क्योंकि इन्हें गुस्सा आ जाता है, अगर इनको ना बोलने दूँ ना मैं वीडियो में तो फिर ये नाराज़ होकर बैठ जाती है फिर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बकवास थी एक्चुअल में टोटल। हाँ अब मैं बोल रही थी कि एक और बार हम अभी उधर जाएंगे बिकॉज असलम्स चिकन वगैरह ये सब ट्राई करने के लिए, बट अभी थोड़ा सा क्या है उधर थोड़ा बिजी चल रहा है और आधी चीज़ें खुली हैं आधी नहीं खुली। थोड़ा सा खाने पीने का उधर खुल जाए तो हम लोग दिखाएंगे आपको एक बार उधर, फूड एंड स्टे इंडिया पे उधर की वीडियोस भी आएंगी अभी थोड़े बहुत दिन में। अभी मैंने क्या है बाहर बाहर से दिखाया आज खाने के शॉप्स कैसी हैं वहाँ पे, चिकन वगैरह नॉनवेज मतलब भर के मिलता है पुरानी दिल्ली में, और अच्छा मिलता है, यानी कि किसी भी दुकान पर आप जाओगे तो अच्छा नहीं मिलेगा, सब पे ठीक होता है, बट कुछ का जो होता है वो स्पेशल होता है, जैसे असलम चिकन हुआ, करीम को तो ऑल वर्ल्ड फेमस है वो तो उनका तो खैर कोई वो ही नहीं है। और तौफीक बिरयानी एक वहाँ पे पड़ती है, वो बड़ी मस्त होती है, मटन बिरयानी और चिकन बिरयानी, कभी वहाँ जाऊँगा वो जरूर खानी है मुझे, क्योंकि वो मैंने भी टेस्ट की है तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, आगे बहुत सारी वीडियो ऐसी आती रहेंगी, जब भले ही ट्रैवल ना हो लेकिन वीडियो आपको डेली देता रहूँगा मैं। तो चलिए करेंगे ही, अब धीरे धीरे ट्रैवल भी स्टार्ट करेंगे ही। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।